इंडिया की पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट जगत की एंट्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ऐसा क्या कहा कि उस बयान पर अमिताभ बच्चन को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, अमीरों के लिए कालीन बिछा है और गरीबों के लिए कुछ नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे। राहुल ने ये भी कहा कि राम मंदिर आयोजन में कोई गरीब या मजदूर नहीं, बल्कि अमिताभ, ऐश्वर्या, अडानी और अंबानी दिखाई दिए। आपको बता दें, राहुल गांधी ने ये बयान रामपुर खास असेंबली के लालगंज इंदिरा चौक में आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता देने की बजाय बड़े बड़े उद्योगपति और अमिताभ बच्चन समेत अभिनेताओं को बुलाया। यही नहीं, एक और रैली में उन्होंने अमिताभ और ऐश्वर्या राय का मजाक उड़ाया था। इसी का जवाब देते हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के हालिया दिनों के बारे में बात की है। अमिताभ ने कहा, लंबे समय के बाद कार्य यात्रा, लंबे समय के बाद बेस से अनुपस्थिति, लंबे समय के बाद रविवार को जियो जिम में नहीं हो पाना। आपको बता दे, अमिताभ बच्चन ने लिखा था, अधूरा लगता है लेकिन जीवन चलता रहता है और जारी रखने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। पंडित या बुद्धिमान तो सलाह देते रहते हैं और वास्तविक कुछ और है, फिर भी हम टिकते हैं और कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने चाहने वालों को सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी किया था। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा और अमिताभ बच्चन पर तंज कसा था। अब अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया है जिसे लोग राहुल गांधी के बयान का रिएक्शन समझ रहे हैं। हालांकि बिग बी ने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा, वर्कआउट करने का समय आ गया है, शरीर की गतिशीलता, मन का लचीलापन, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।